कर लखनऊ में सीएम हेल्पलाइन दफ्तर में कोरोना फैला है। कोरोना संक्रमित कर्मचारियों की संख्या 18 हुई है। सीएम हेल्पलाइन कार्यालय को सील किया गया है। कार्यालय में करीब 1000 लोग काम करते हैं। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, 1000 लोग कार्यालय में काम करते हैं और उसी कार्यालय में आपको बता दें कोरोना फैल गया है। कोरोना संक्रमित कर्मचारियों की संख्या 18 पहुंची है। अनूप सिंह हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। अनूप, क्या जानकारी आपके पास? देखिए आदित्य, उत्तर प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन 1073 जो संख्या से चलती है, उसमें सीएम से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं वहां पर जो शिकायतें आती हैं वो वहां पर उनका निस्तारण किया जाता है। शिकायतकर्ता से संपर्क करके उसके बाद फिर संपर्क किया जाता है संबंधित अधिकारी को, उसी प्रकार से उस समस्या का निदान भी कराया जाता है। दो दिन पहले करीब 9 लोग वहां पर कोरोना से संक्रमित कर्मचारी मिले थे। कुछ उसके बाद फिर वहां से हड़कंप मच गया और फिर उसके बाद सैनिटाइज कराया गया था पूरा कार्यालय, और उसके बाद जितने भी बाकी कर्मचारी थे उनकी जो जो कोरोना का टेस्ट होना शुरू हो गया था। करीब एक दिन में 150 ही जो लोगों के जांच हो पाती है, जिसके चलते अभी तक अभी सारे जो लोग करीब 1000 से ज्यादा कर्मचारी हैं उनकी जाँच पूरी नहीं हो पाई है, और इसका आंकड़ा अब तक 18 लोगों से पहुंच चुका है। यानी 18 लोग हेल्पलाइन कार्यालय में 18 लोग कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। फिलहाल अभी जांच चल रही है, कई दिनों जांच चलेगी, लेकिन तत्काल प्रभाव से सीएम हेल्पलाइन कार्यालय को सील कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां पर पहुंची है, वर्तमान में इस समय नगर निगम की टीम वहां पर पहुंची है, और उसको जो वहां जो कार्यालय है उसको सैनिटाइज किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम से हमारी लगातार बात हुई, उनका कहना है कि जो बड़ा जो कार्यालय होते हैं या मॉल होते हैं वहाँ की जो एसी है, अगर किसी एक व्यक्ति को कोरोना संक्रमित है तो उस एसी से कुछ संक्रमित इस तरीके से फैल जाता है कि लोगों के सब में फैल जाता है। तो शायद इसी वजह से ऐसा हुआ है, और करीब 1000 से ज्यादा जहाँ पर दो शिफ्टों में काम होता हो, 1000 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हो वहाँ पर, कितनी तादाद के लोग वहाँ पर निकलेंगे। तो हालांकि आशंका की जा रही, काफी और संख्या इसकी बढ़ सकती है। अभी तक जांच हो रही है, करीब 150 ही एक दिन में जांच हो पाती है वहाँ की। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी के लिए। तो सीएम हेल्पलाइन में भी कोरोना फैला है और संक्रमित कर्मचारियों की संख्या 18 पहुंची है। फिलहाल सीएम हेल्पलाइन को सील कर दिया गया है। खबर लखनऊ से इस वक्त आपको बता रहे हैं, और लखनऊ एयरपोर्ट पर यात्रियों ने हंगामा